ये आग्रह जिला प्रशासन से हमने किया था कि ऐसे सब लोग जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर अपने ढाबे होटल चलाते हैं और अधिकांश रूप से मुस्लिम समाज के लोग होते हैं, उनमें कांवड़िए उनकी दुकानें बैठते हैं, खाते हैं और वो नॉनवेज बेचते हैं, यानी देवी देवता का नाम हिंदू का और बेचते नॉनवेज, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए ताकि जो कांवड़ यहाँ बैठा जाए बैठे, हमें न किसी के नॉनवेज बेचने पर आपत्ति, कांवड़ को बिकेगा ही नहीं, कांवड़ का बिचने कांवड़ तो नहीं बिकेगा, पर सामान्यतः भी अगर कोई नॉनवेज बेचता बेचिए, नॉनवेज खाने वाला खाए, पर हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकान खोल करके नॉनवेज नहीं बेचिए, ये हमने आग्रह किया था। उसी के संबंध में प्रशासन ने कार्रवाई की है। इसमें जिस प्रकार से अन्य पॉलिटिकल लोग, चाहे श्री अखिलेश यादव हों चाहे ओवैसी हों, जो इसको एक सामाजिक और एक हिंदू मुस्लिम का तूल दे रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम का विषय नहीं है। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की निगाह से इसको ना देखा जाए क्योंकि हिंदू मुस्लिम का विषय ही नहीं है, लेकिन योगी का ऑर्डर और इसका किस तरह का असर दिख रहा है वो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी के आदेश का असर भी दिखा कि जो कांवड़ मार्ग है उस पर दुकानदारों ने जो नाम है वो अब चस्पा कर दिए हैं, खाने पीने की दुकान हो, होटल हो या कोई भी, वहां पर बड़े बड़े बैनर्स जो हैं उस पर लिखे गए हैं दुकानों के नाम। मुजफ्फरनगर में जो ढाबे हैं, जो दुकानें हैं या फिर ठेले ही क्यों ना हो, उस पर नाम दिखने शुरू भी हो गए हैं। आइए हम आपको बिग वॉल के जरिए उन तस्वीरों को भी यहां पर दिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरह से ये जो आदेश जारी किया गया, अब उस आदेश का पालन किस तरह से हो रहा है। रार जितनी रही हो लेकिन प्रहार उस पर योगी जी ने कर दिया। ये देखिए, ये तस्वीर हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो निर्देश दिए, जो आदेश था, उसका असर यहां पर दिख रहा है कि बड़े बड़े बैनर्स जो हैं या उनकी दुकान जो है उसके आगे यहां पर आप देखिए कि मोहम्मद दानिश यहां पर लगा दिया, इरशाद स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी जो शॉप है वो यहां पर नाम लगा दिया, मोहम्मद मुराद यहां पर नाम लगा दिया है, प्रोपराइटर, क्योंकि ये कहा गया था कि प्रोपराइटर नाम जो है वो होना जरूरी है, मोबाइल नंबर बकायदा अपना दिया हुआ है यहां पर, और ये मिर्जा कन्फेक्शनरी जो शॉप है वो यहां पर नाम दे दिया गया है, दानिश कैफे यहां पर नाम दे दिया गया है। तो बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो यहां साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ये वो दुकानें हैं जो कांवड़ रूट पर, जो उस पूरे रूट पर पड़ती है और उस पर ये किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है ये हम आपको यहां पर दिखा रखे हैं। तो ये आपने तस्वीरें देखी, जतिन हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचते हैं, क्या वो देखते हैं बता रखे हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक निर्देश पारित किया जिसे बाद में स्वेच्छा बोल दिया गया। उसमें ये बोला गया कि हर एक दुकानदार को अपने मालिक का नाम चस्पा करना है दुकान के बाहर, साथ ही जो लोग कर्मचारी उसके अंदर काम कर रहे हैं उनके नाम को भी दुकान के बाहर चस्पा करना है, यानी कि लिखना है। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं, ठीक हाईवे पर जो कि दिल्ली को कनेक्ट करता है, और इसी रोड से एक तरीके से कांवड़ यात्रा गुजरती है। और आप देखेंगे ये हैप्पी मूवमेंट रॉयल कैफ़े है, उसके बाहर आप देखेंगे तो तमाम प्रोपराइटर सलमान, प्रोपराइटर निज़ामुद्दीन, प्रोपराइटर फरमान जो कि मालिक है इस ढाबे के, उनके नाम लिखे हुए हैं। तो जतिन की ये रिपोर्ट आपने यहाँ पर देखी, लेकिन जतिन जब वहां पर पहुंचे तो उन बाजारों में, उन दुकानों में, वहां पर उन लोगों से भी बात की, साथ ही जो कांवड़िए हैं जिन्हें देखते हुए, जिनकी पवित्रता, शुचिता और कुछ, चूंकि व्रती भी होते हैं कई उसमें और कई उन्होंने कुछ मान्यता मानी हुई होती है, उसे लेकर भी उन्होंने बात की। क्या कुछ कह रहे हैं ये कांवड़िए या फिर ये दुकानदार या आम लोग, सुनिए। हमारे से बोला गया था, कहने लगे कल तक अगर ना लगे तो हम ढाबा बंद करवा देंगे तुम्हारा, दुकानें बंद करवा देंगे सारी। फिर हमने जो है इस डर की वजह से हमने नाम लिखवा दिए। क्या फ़र्क पड़ा नाम लिखवाने से? फ़र्क इतना पड़ा कि अब देखो खाली बैठे हुए पूरे होटल के अंदर, देख लो एक भी गाड़ी नहीं रुक रही, कोई वो नहीं, मामला नहीं, नाम पढ़ते हैं आगे निकल जाते हैं। पहले हमारी जो है 24 घंटे की सेल जो है 10 से 12 हज़ार की हो रही थी, अब 2 हज़ार रुपये की हो रही। ये तो अच्छी बात है, नाम लिखे गए हैं, आगे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी आने वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे मालूम हो जाएगा किसकी दुकान है, कौन है, क्या है। जनता तो खुश है फैसले से, देखो जिसका दिल करेगा वो खाएगा, अगर मान लो खा लिया अब बाद में पता लगा कुछ और मुसलमान है तो दंगे का उस झगड़े का वो हो जाता है। अब सबको पता, जिसका दिल करेगा वो देख खाएगा, उसका दिल करेगा तो खाएगा, नहीं खाएगा कोई दंगे का मतलब। राजनीति अगर हो तो सही है, गलत है वो, गलत कर रहे हैं, गलत करे इससे फ़ायदा। जो फैसले लिए जा रहे हैं सब सही हैं, जनता की भलाई के लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास राकेश भाई हैं, काम करें,
और गैर मुस्लिम भी आके सामान सब खा के जाते हैं और मुस्लिम लोग भी। तो राजनीति का विषय नहीं है? कोई विषय नहीं है, तो इतना है कोई आदमी कोई आस्था लेके चला, उसने सोच लिया कि मुझे इस तरह से इस तरह की चीज़ें खानी है, ऐसी जगह बैठना है, तो उसका अपना मन विवेक है, वो निजी स्वार्थ है उसका अपना। जब साफ सफाई रखोगे तो लोग खुद ही आएंगे, कोई नाम वाम में नहीं, कुछ नहीं, सब सही चल रहा है। कोई ऐसा नहीं, कोई सरकार एक ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, सरकार तो सबकी होती है। तो नाम लिखने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता? कोई कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, सब बैठे हैं हिंदू मुस्लिम। सही है फैसला, मतलब कि होटल पे 6 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब कि कोई चीज मानी दे रही है, पौने चलो शाम के टाइम बोले आ गए, अब 6 बंदे काम कर रहे हैं, उनका नाम पता सब कुछ, उनकी जिम्मेदारी अंडर ही रहेगा सर काम, मतलब ये जो चीज़ दे रही होगी तो नुकनी तो रहेगी, बंदे भी तो पता लगेगी ये बंदे थे फिलहाल। नाम पता होने से भी ये पता चल जाता है कि हाँ, एक तो ये हिंदू धर्म जैसे होते ना आपस में द्वेष भावना को बढ़ावा मिलता है इससे, इस वजह से। आप लोग भी क्या पहले देखते हैं कि होटल का नाम क्या है, उसी के बात करते हैं? हाँ जी। और भी आप बताइए कि क्या आप लोग पहले देखते हैं, चेक करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, देख चेक करते हैं, पहले ये देखते हैं कि हिंदू है या मुस्लिम है, मतलब किसका पता नहीं अभी किसी का पक्का कौन क्या है क्या नहीं। अब टैग भी तो होना चाहिए बाहर, नाम भी लिखना जरूरी है। अच्छा आप बताइए कि आप पहले क्या, मैं देख रहा था कि आप लोग घूम रहे थे, क्या चेक कर रहे थे कि किसका नाम लिखा? चेक कर रहे थे होटल का नाम क्या, क्या? लिखना लिखा होना नाम जरूरी है, लिखा होना जरूरी। बोले यार मतलब कि कोई इधर खा रहा है कोई हिंदू में, तो सीधा सब मतलब कि हिंदू खाना मिलेगा। देखो ये है, हमने छाट के देखा है कि हिंदू बालाजी लिख रहे थे, अभी मासी आ गई। तो कुछ लोग इसे सही बता रहे हैं, कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। लेकिन जिन्होंने ये मांग की थी, मंत्री जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका। मंत्री जी आपने तो सिर्फ मुजफ्फरनगर की बात कही थी, लेकिन कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया योगी जी को, उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लागू करिए। मैं धन्यवाद करता हूँ जी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आपके चैनल का है, आपने उसको जम के चलाया तो बात योगी जी तक पहुंच गई, मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, जनता ने उसको स्वीकार किया, लाइक किया, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप जैसे अन्य चैनलों का धन्यवाद करता हूं कि बात वहां तक पहुंची है। देखिए विषय बड़ा संवेदनशील भी है और महत्वपूर्ण भी है। संवेदनशील इसलिए है कि जब कांवड़िया 50 लीटर 100 लीटर 150 लीटर 250 लीटर जल लेकर के और गौमुख से हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर जाता है तो बहुत सारे पड़ाव पड़ते कहीं रुकता है, चाय पीता है, भोजन करता है, और ऐसे में ये समस्या हमेशा आती रही पहले भी कि कुछ लोग धार्मिक भावनाओं का असम्मान करते हुए या उसका उल्लंघन करते हुए अपनी दुकानों के नाम पर भगवान के नाम से या हिंदू देवी देवताओं के नाम से अपने होटल ढाबों के नाम लिखे, और जब उन्होंने अंदर जाकर देखा कोई कस्टमर गया या कोई कांवड़िया गया तो जाकर के देखा वहाँ पर नॉनवेज बिछ रहा है। अब आप कल्पना करिए जो शाकाहारी व्यक्ति है या खातों से कांवड़ में यात्रा कर रहा है या बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, गंगोत्री जा रहा है, यमुनोत्री जा रहा है, हरिद्वार जा रहा है, और उसको कांवड़ में अपना भोजन करना है या धार्मिक परिवार के साथ या वेजिटेरियन परिवार के साथ भोजन करना है और उसको नॉनवेज कोई बराबर में खाता मिले तो कितना कष्टकार स्थिति होती है। ये शिकायतें हमेशा आती रही, उन शिकायतों को रोकने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया कि इसकी मॉनिटरिंग करें, इसकी देखभाल करें और कोई ऐसी पुनरावृत्ति ना हो जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो, इसमें किसी भी रूप में